हमको जाना है सर श्रीनगर। अभी मैं पटनी टॉप में हूँ और अभी ब्रेकफास्ट चल रहा है, इसके बाद निकलना है सीधा श्रीनगर। नीचे टॉप में मैं ये होटल पे रुका था, नीचे में छोटी सी एक गराज थी, उसमें मैंने बाइक रखा था यहाँ पर। लेकिन यहाँ पे हो रहा है अभी बारिश और हमको जाना है श्रीनगर। कब तक क्लियर होगा पता नहीं। तो अभी होटल से निकल कर रास्ते पे मैं रोका था एक बार, सब में रेन कवर डाला, सडल बैग में तो पहले से ही था, टैंक बैग में डाला, खुद रेनकोट पहना क्योंकि यहाँ पे बारिश हो रहा है। अभी थोड़ी सी कम है, अभी डिटेक्ट हमको श्रीनगर जाना है। पत्नीटॉप से निकलने के बाद शुरू में जो रास्ता था ना वो सही था, 4-5 किलोमीटर तक, और यहाँ का रास्ता देखो मतलब भयानक खराब है। एक चीज़ मुझे नहीं पता था, अभी पता चला है, यहाँ पर दो मतलब हफ्ते में 2 दिन शायद ये जो चट्टाने हैं ना जो गिरती है, ये सब या रोड का कुछ काम हो, ये सब ना 2 दिन में करती है ये लोग। VRO टीम है और उसमें से एक दिन है वेनेसडे और आज है वेनेसडे। यही सब रोड तो हम लोगों को चाहिए। अब कहाँ से बाइक लूंगा मैं, अभी घुसा दूँ क्या? चलो भाई यही सब रोड तो हम लोगों को चाहिए, अच्छी अच्छी रोड में चलाने का मजा से, ये सब रोड में मजा ज़्यादा आता है। एक चीज़ का डर है क्योंकि मेरे पास है क्लासिक 350, तो जो है ट्यूब के साथ, ट्यूबलेस मेरे पास नहीं है बाई चांस, और गलती से भी ये सब जगह में पंक्चर हो गया वो भाई मेरा वाट लगे वाली है। सब सामान उतार के फिर खुद पंक्चर बनाना पड़ेगा। दुकान में जाओ तो 15-20 मिनट में करके देता है, मैं अगर वो चीज़ करूँ तो शायद 1.5 घंटा भी लग सकता है, लेकिन पता है कैसे करता है। कोई बुरी सिचुएशन में अगर मैं फंस जाऊँ निकल सकता हूँ आराम से, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। ये है शायद रमन लग रहा है, गौ माता साइड दीजिए। यहाँ पे एक मंदिर है, शिवा टेम्पल है शायद, हाँ हाँ शिवा टेम्पल है। वो देखो अंदर में, देखो अंदर में, देखा गाड़ी का अंदर में दो डॉगी बैठा हुआ है। वो देखो एक, वो देखो दो, एक दो, पता है इन लोगों का सैलरी होता है। हमको जाना है सर श्रीनगर। श्रीनगर 1 बजे के बाद वो लगा दो गाड़ी साइड पे, 1 बजे रोड खुलेगा उसके बाद छोड़ेंगे। तब तक सर यहाँ पर वेट करना पड़ेगा? हाँ बिल्कुल। अच्छा हाँ जी सर। तो बाइक को मैंने अभी यहाँ पे पार्क किया, अभी है 11:45, 1 बजे के बाद मुझे यहाँ से छोड़ेगा। आज से सिर्फ 50% मार्केट खुलेगी और तमाम पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए ऐतला है, जो भी आपकी सीटिंग कैपेसिटी है उससे सिर्फ 50% लोगों को अलाउ करें। कानून के खिलाफ वर्जी करने वाले के खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
सर जा सकते हैं? थैंक यू वेरी मच। अरे शाबाश, किसी को नहीं छोड़ा, हमको छोड़ दिया। एक यहाँ से अभी पता है एक भी नहीं बजा है, अभी 12:20 है शायद। हम उसको रिक्वेस्ट करके रखा था तो सर हमको पहले छोड़ देना, तो वो देख रहे हो सामने एक छोटा गाड़ी और सुमो है शायद, एक दो गाड़ी और मुझे, तीन गाड़ी को छोड़ दिया। चलो सही है, एटलीस्ट आधे घंटे पहले तो पहुंच सकते हैं ना। चलो मैं तो निकल गया यहाँ से, आगे देख रहा हूँ पत्थर, ये सब साइज का पत्थर उस टाइम ऊपर से गिर रहा था। यहाँ से और 4 घंटे लगेगा, बारिश हो रही है थोड़ी बहुत, यहाँ पे तो रास्ता सही है, आगे का पता नहीं। पत्नीटॉप से श्रीनगर तक, मतलब रमन से श्रीनगर तक फर्स्ट ही है बिना रास्ते पे। ज्यादा होगा तो श्रीनगर जाने के टाइम पे ये फर्स्ट टनल पड़ा है, पहले मैं 3-4 टनल क्रॉस कर चुका हूँ, लेकिन इसका अच्छा ये काम हो रहा है, इससे नहीं जाना है हमको इससे जाना है। यहाँ से और है 120 किलोमीटर श्रीनगर, अभी जस्ट बनिहाल पे रुके थे चाय पीने के लिए। यहाँ से थोड़ा रास्ता अच्छा होने लगा, इससे पहले रास्ता बहुत ख़राब था। ये जो भैया जा रहा है ना आगे बाइक लेके, इसके साथ जस्ट अभी इंट्रोड्यूस हुआ, ये श्रीनगर के रहने वाले हैं। भैया भी जा रहा है श्रीनगर तक जम्मू से, एक साथ चाय पिया हम लोग, अभी एक साथ श्रीनगर जाना है। यहाँ से श्रीनगर शायद
90 किलोमीटर होगा। जितना मैं श्रीनगर के करीब जा रहा हूँ ऊपर में उतना ही बर्फ़ ज़्यादा दिख रहा है, मतलब श्रीनगर में बर्फ़ नहीं होगा ऊपर दिख रहा है यहाँ से। यहाँ पे चाय का दुकान हो सकता है, यहाँ पे रोकता हूँ एक बार बाइक। तो यहाँ पे मैंने बाइक रोका, अभी अभी हमको खाना है मैगी और एक चाय। तो ये जगह जो है, ये जगह का नाम है शैतानी नाला। शैतानी नाला क्यों है वो अभी मैं बोलता हूँ। कुछ भूत प्रेत का इश्यू है यहाँ पर, पहले का बात है। और जो मेन रीज़न है ये देखो, आगे एक टनल आ रहा है छोटी वाली, जहाँ पे ये है ना काम कर रहा है या बैठा हुआ है। इसके ऊपर में, इसके ऊपर से बर्फ़ गिरती थी पहले, तो बड़े बड़े बर्फ के जो गोले हैं ना, तो उसके कारण ये जो रास्ता है ये पूरा बंद हो जाती थी। जो टनल आएगा सामने, वहाँ पर एक्चुअली वीडियोग्राफी इज नॉट अलाउड, लेकिन आप मतलब रुक के वीडियो नहीं कर सकते, लेकिन आप वीडियो में एक बार डाल दिया उसके बाद वीडियो आराम से निकाल सकते हैं, उस पर कुछ प्रॉब्लम नहीं है। टनल के बारे में मैं बोल रहा था, बहुत ज़्यादा बर्फ गिरती होगी। तो बीआरओ टीम ने क्या करता है, वो जगह पे टनल बना देता है। जैसे कि अभी भी जम्मू कश्मीर में बहुत सारा टनल का काम चल रहा है, पूरे टनल में लाइट लगा हुआ है। और मुझे एक चीज़ दिखी इस साइड में ना, देखो देखो फॉलो करो, एक यहाँ पर ये देखो इमरजेंसी बोल के कुछ दिखा रहा है, मतलब बाई चांस कोई भी कारण से आपका बाइक खराब हो गया या कार खराब हो गया, कुछ भी हो, तो अगर कोई जोर से निकलता है यहाँ पर, आप सेफ रहो इसलिए आपको चले जाना है। ये इमरजेंसी बोल के जो है ना, यहाँ पर एक दरवाज़ा है, छोटी सी जगह है, ऐसा मुझे लग रहा है, मैं श्योर नहीं हूँ, मैं गेस करके बोला, ठीक है, जो मुझे लगा मैं वो बोला, दूसरा कुछ रीज़न हो सकती है। ये टनल 2 किलोमीटर, पता नहीं यार, आइडिया नहीं कर पा रहा हूँ। हर जगह में मोटा मोटी आप
50 करके चल लो। ये देखा ऊपर से पानी गिर रहा था, मतलब मोटा मोटी आप पकड़ के चलो कि 100 मीटर के बाद बाद एक एक करके इमरजेंसी दे के रखा हुआ है यहाँ पर। और ये शायद ख़त्म होने वाली है, ऊपर से पानी भी गिर रहा है बीच बीच में। उसके बाद बात करते हैं, मैं जो बोल रहा था। दो किलोमीटर तक तो होना चाहिए तुम्हें। अगर 2 किलोमीटर नहीं भी होगा तो डेफिनेटली 1.5 किलोमीटर पक्का एकदम 100% श्योर। बहुत बड़ी डर रही है, लेफ साइड से और कुछ बन रहा है। ये है टाइटैनिक व्यू पॉइंट, इसको टाइटैनिक व्यू पॉइंट बोलते हैं। ये भैया थोड़ा आगे आ गया, एक मिनट। तो टाइटैनिक व्यू पॉइंट के बाद भी यहाँ पे बहुत अच्छा नज़ारे हैं, सब पेड़ सब बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो अभी जस्ट स्टार्ट हुआ, अच्छा रोड। यहाँ से श्रीनगर है 69 किलोमीटर। ये मुझे पता नहीं, बहुत टाइम मतलब पट्टी टॉप से निकलने के बाद ना पूरा खराब रास्ता ही नहीं चला रहा था। अभी जाके अच्छी रोड। तो यहाँ पे शुरू होती है एक फ्लाई ओवर, 1 किलोमीटर का फ्लाई ओवर है। तो एक्चुअली प्लान में पूरा चेंज हो गया। अभी फ्यूल भराने के बाद मैं जा रहा हूँ पहलगाम, मैं आज श्रीनगर नहीं जा रहा हूँ, तो कल सुबह निकलेंगे श्रीनगर के लिए। आप अभी कहाँ जाओगे? श्रीनगर। आप श्रीनगर जाओगे? हाँ। और हमको निकलना है राइट साइड, यहाँ से पहलगाम है। हाँ। ये कितना किलोमीटर होगा भैया यहाँ से? 49 किलोमीटर। कितना टाइम लग जाएगा फिर भी अप्रॉक्स? हाफ एन आवर में पहुंच। रास्ता अच्छा है क्या? अच्छा रास्ता अच्छा है। कल मिलते हैं। कॉल करना। ठीक है पक्का पक्का। चेक किया। चलो चलो बाय। हां बाय बाय। गिव मी अ कॉल इफ एनीथिंग हैपेंस। पक्का। ठीक है। पक्का। मेरे को फोन करो। ठीक है भैया। और व्हाट्सएप। ठीक है भैया। श्योर। तो मैं यहां से राइट टर्न लिया, प्लान हो गया मेरा पूरा चेंज। मुझे जाना है अभी पहलगाम, क्योंकि पहलगाम जाने के बाद मतलब पहलगाम यहाँ से नज़दीक है, 49 किलोमीटर है। अगर मैं श्रीनगर पहुँच जाता हूँ तो श्रीनगर पहुँचने के बाद मुझे फिर से बैक करके पहलगाम आना पड़ेगा। तो मैं सोचा कि पहले पहलगाम करके आज अगर कुछ मैं देख पाऊँ तो सही है। कल 1 बजे तक मैं पहलगाम देख के मैं श्रीनगर में बैक कर सकता हूँ। श्रीनगर में बैक करके कल शायद डल लेक विजिट कर लूँगा। अभी डायरेक्ट जाना है पहलगाम। रास्ता तो भैया बोला अच्छा ही है, आगे कुछ मिलते हैं।
डेफिनेटली मैं वीडियो ऑन करूँगा। तो वो टर्निंग लेने के बाद अभी फर्स्ट यहाँ पे एक फ्लाईओवर आया, ये फ्लाईओवर के बाद 2 किलोमीटर चलने के बाद एक चौक आएगा, वो चौक से राइट टर्न लेना है। मतलब मैं पहले अनंतनाग होके उसके बाद मैं पहलगाम जाऊंगा। पहलगाम जाने के लिए मुझे यहाँ से राइट टर्न लेना पड़ेगा जो कि है 44 किलोमीटर। अभी हमको लेना है यहाँ से राइट। कैसे जाए? ये लेफ्ट साइड से। ओके थैंक यू। ओके ओके तो यहां से मैं मुड़ा लेफ्ट साइड पे, पहलगाम है यहां से 41 किलोमीटर। ये अनंतनाग सिटी लग रहा है मुझे, केपी रोड अनबल अनंतनाग है, ये है अनंतनाग। इतना छोटा टाउन नहीं है ये जैसा मैंने सोचा था, मतलब बड़ा है। रुको लेफ्ट साइड में दिखाता हूँ तुम लोगों। उसको वो स्ट्रेट रोड था जिसमें मैं आ रहा था, वहाँ से अभी एक मैंने लेफ्ट टर्न लिया, उस टाइम में वीडियो ऑफ था इसलिए दिखा नहीं पाया। अभी यहाँ से जाना एकदम सीधा, यहाँ से ना रोड चेंज होने लगा, यहाँ से और शायद 10-12 किलोमीटर हो सकता है। यहाँ से सीधा जाना पड़ेगा फिर लेफ्ट जाना पड़ेगा, इसको फिर से पूछना पड़ेगा। बोला के सर पहलगाम किधर है? स्ट्रेट है ना सर? ओके एकदम स्ट्रेट है ना, एकदम स्ट्रेट है ना पहलगाम? थैंक यू सर।
शुरू होती है पहलगाम, वेलकम टू पहलगाम, वेलकम डेवलपमेंट अथॉरिटी, हाँ यहाँ से शुरू होती है। मैं तो आराम से चल रहा हूँ, कोई हड़बड़ नहीं है मुझे, जाकर स्टे जो करना है। सर पहलगाम स्टेट है ना? हाँ, यहाँ से आधा घंटा। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है सर। वेस्ट बंगाल जी, थैंक यू। अरे बाप रे, यहाँ से आधा घंटा लग जाएगा, ऐसा तो बोला, किसी और से पूछना पड़ेगा इसका, एक से तो हम कभी कंफर्म नहीं होते हैं। अभी पूछेंगे उसके बाद निकलेंगे। सर यहाँ से पहलगाम कितनी दूर है? 10 किलोमीटर। अच्छा अच्छा, ठीक है, थैंक यू। अभी जाके हुआ कंफर्म, यहाँ से 10 किलोमीटर है। मैंने उस टाइम तो सोचा था वहाँ से 10 किलोमीटर होगा, लेकिन नहीं है। रास्ते पे ना, ये पूरा रास्ते पे एक भी पॉट होल नहीं है, एक भी पॉट होल नहीं है। और तुम लोगों को एक चीज बोलना मैं भूल गया, यहाँ से पहलगाम है 13 किलोमीटर। अच्छा, माइलस्टोन देखा। अच्छा, जो मैं बोल रहा था, जम्मू कश्मीर का ना पुलिस जो है ना, इतना हेल्पफुल है। मेरा तो अभी तक कोई भी नेगेटिव एक्सपीरियंस नहीं है। सॉरी, हाँ, मुँह में ना चुविंगा मेरा, मेरा तो अभी तक कोई भी नेगेटिव एक्सपीरियंस नहीं है। छोटी सी एक पुल, लेफ्ट साइड में नदी, छोटी छोटी घर, रुको, लेफ्ट साइड का ना थोड़ा सा एक व्यू देते हैं, उसके बाद निकलते हैं यहाँ पे। यहाँ से 500 मीटर करके दिखता है। तो जस्ट मैंने ये होटल पे घुसा, पहलगाम मेन मार्केट, पेट्रोल पंप के ठीक ऑपोजिट में। हाय करो, हाय।